मोदी जी, वाह, आपने तो विशाल भंडारे का आयोजन कराया है। बहुत ही मजा आ रहा है आपका भंडारा खाने में। लेकिन मोदी जी, आप एक बात बताओ, आपने घर से प्लेटें लाने के लिए क्यों कहा था? पत्तल क्यों नहीं लाए आप? सबको पत्तल क्यों नहीं दे रहे हो? और हम घर से जो प्लेट या कटोरा लेके आए, उसमें आपने थोड़े थोड़े चावल दे दिए। कम से कम चावल में थोड़ी सब्जी तो डालो, तभी तो अच्छा लगेगा खाते हुए। बहन सोनिया जी, आपका ध्यान सब्जी की तरफ है। ये देखो, गर्मा गर्म ताजे ताजे लड्डू बनवा रहा हूँ मैं। खाने के बाद सबको एक एक लड्डू दिया जाएगा। ये देखो, मैं चख के देखता हूँ, लड्डू बहुत ही मजेदार लड्डू हैं। अब इतना बड़ा विशाल भंडारा था, थोड़े पैसे की कमी थी, इसीलिए मैं पत्तल नहीं ला पाया। इसीलिए मैंने आपसे तुम्हारे घर से ही कटोरे या प्याले या प्लेट लाने के लिए बोला था। और ये चावल खाओ, अभी सब्जी भी बन के आ रही है, उसके बाद ये लड्डू मिलेंगे आपको। लेकिन मोदी जी, आपने अकेले ही इतने विशाल भंडारे का आयोजन किया है? और बहन मायावती जी, तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ और किसी ने भी आयोजन किया है? ये सारे विशाल भंडारे का आयोजन अकेले मैंने ही तो किया है। मोदी जी, मुझसे लड्डू का इंतजार नहीं हो रहा, जल्द से जल्द एक लड्डू दे दो। राहुल, पहले खाने को खा लो, खाने के बाद ही एक लड्डू मिलेगा सबको। मोदी जी, मैं तो खाना खा चुका, आप मुझे लड्डू दो। अरे अभी तो मैंने आप सब लोगों को चावल चावल दिए थे, तुम खाली चावल ही खा गए, सब्जी आना बाकी है, सब्जी डाल के चावल को खाना। मोदी जी, ये राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सामने जो लड्डू रखे हुए हैं, जो खाना खाने के बाद हमें खिलाओगे आप, उनको खाने का मन अभी से कर रहा है। मैं भी खाना खा चुका, मुझे भी एक लड्डू दे दो। आपने इतना विशाल भंडारे का आयोजन किया है, कहीं ये लड्डू उड्डू खत्म हो गए तो हमें खाने के लिए नहीं मिलेंगे। अरे योगी जी, कैसी बात कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रसोई में लगातार लड्डू सब्जी और चावल बनाए जा रहे हैं, किसी चीज की भी कमी नहीं पड़ेगी मेरी इस विशाल भंडारे में। मोदी जी, मैं तो आपके लड्डू ही खाने के लिए आया था इस भंडारे में, मुझे लड्डू दे दो, खाना मुझे नहीं खाना है। अरे एक बात बताओ अखिलेश, तुम सब लोग क्या लड्डू खा के ही पेट भरना चाहती हो? कम से कम खाना तो खा लो भंडारे का, उसके बाद लड्डू मिल जाएगा सबको। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। खाओ भाई खाओ, जम के खाओ, जितना खा मिले उतना खाओ। जो भी सब्जी है मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ। अभी मैंने तुम्हारे लिए कड़ी चावल बनाए थे, वो तुम खा रहे हो। अभी ये बना के लाया हूँ भगोने में करेले की सब्जी, अब तुम करेले की सब्जी खाना, समझे? लेकिन तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो, ये बताओ, खा क्यों नहीं रहे हो? अरे राहुल, अखिलेश, लालू जी, योगी जी, केजरीवाल, कैसे एक दूसरे का मुंह देख रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे और कड़ी चावल चाहिए, कड़ी चावल मांग नहीं पा रहे हो इसीलिए मुंह देख रहे हो? या करेले की सब्जी दूं जो ये मैं बना के लाया हूँ अभी भगोने में? अरे क्या मोदी जी, मुझे एक बात बताओ, तुम खाना बनाना सीख रहे हो तो हमारी रोज दावत क्यों कर देती हो? अरे कल तुमने भिंडी की सब्जी बनाई थी, उसमें इतना तेल डाल दिया था कि घर जाके मेरी उल्टी होते होते बची। अब तुम हमसे पूछ रहे हो कि एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हैं? तुम्हें लग रहा है हम कड़ी चावल और मांग रहे हैं? अरे बड़ा मुश्किल से यही कड़ी चावल खा पा रहे हैं, इसलिए मुंह देख रहे हैं हम, क्योंकि तुम्हारे कड़ी चावल में मिर्च के अलावा कुछ है ही नहीं। हम मोदी जी इससे ज्यादा खाना नहीं खा पाएंगे, कह देते हैं हम तुमसे, यही कड़ी चावल तुम्हारे नहीं खा पा रहे हैं, और ऊपर से तुम करेले बना के ले आए। मुझे तो ये सोच के हंसी आ रही है कि मैंने तुम्हारी इतनी मिर्च के ये कड़ी चावल खा लिए, सुबह शौचालय में क्या होगा? अरे मोदी जी, ये बताओ, इतनी मिर्चें डालते हैं कड़ी में कि बिल्कुल खाए नहीं जा रही ये चावल, ऊपर से तुम करेले बना के ले आए, ये करेले अब तुम ही खा लो, हम नहीं खा पाएंगे भाई। अरे भाई मोदी जी, मैं तो पानी पीते पीते परेशान हूँ, कितने गिलास पानी पी चुका समझे, लेकिन मेरे मुंह की मिर्ची खत्म नहीं हो पा रही है, इतनी मिर्ची डाली है तुमने कड़ी में। अरे तुम अपने हाथ से खाना बना क्यों रहे हो, क्यों सीख रहे हो खाना बनाना? अगर खाना बनाना सीख भी रहे हो तो हमारी दावत रोज क्यों कर देते हो? कभी तुम नमक ज्यादा कर देते हो, कभी मिर्चे ज्यादा कर देते हो, रोज का तुम्हारा यही सिस्टम है? कम से कम 5 दिन से तुम्हारी दावत खा रहे हैं हम। अभी राहुल बता रहा था कि कल तुमने भिंडी में इतना तेल डाल दिया कि उसकी उल्टी होते होते बची। ये तो भाई योगी जी उल्टा गजब बेइज्जती है, एक तो मैं तुम लोगों को रोज बुला के दावत पे खाना खिला रहा हूँ, अरे भाई खाना बनाना अभी मैं सीख रहा हूँ, मिर्च नमक तेल ऊपर नीचे हो जाता है, अभी कभी ज्यादा पड़ जाता है कभी कम पड़ जाता है, मेरी दावत से ऐतराज भी है और रोज खाने भी चले आती हो समझे। जब रोज दावत खाओगे तो थोड़ा नमक मिर्च आगे पीछे देखना ही पड़ेगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश बाबू, जिस काम में तुम जुड़ जाते हो उस काम में घाटे का नाम भी जुड़ जाता है। अरे मैं तुमसे कह रहा था कि तुम इस काम पे मत आओ, तुम्हारे आते ही नदी में से रेता भी निकलना कम हो गया।
अरे मैंने जैसे तैसे करके नदी में से रेता निकालने का ठेका लिया था, लेकिन ठेके में घाटा हो रहा है। अब पता नहीं घाटा क्यों हो रहा है। मुझे तो ये लगता है जिस काम में तुम मेरे साथ हो जाते हो उस काम में घाटा ही होता है। पिछली बार अपनों ने आलू का बिजनेस साथ में किया था, बहुत लंबा घाटा लगा था, आलू सारे के सारे सड़ गए थे, बेच ही नहीं पाए अपना। अब मैंने नदी में से रेता निकालने का ठेका लिया है कि रेता निकाल निकाल के बेचूंगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं, योगी जी, राहुल और लालू जी मिलके काम कर रहे थे, अच्छा रेता निकलना था नदी में से, लेकिन जैसी तुम्हें साथ में किया नदी में से रेता निकलना बिल्कुल बंद हो गया। ये थोड़ा थोड़ा सा नदी में से रेता निकलना है, उसी रेते को सर से ढो ढो के बाहर को निकालना है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इतना रेता निकलना था कि मुझे योगी जी का बुलडोजर जीसीबी बुलाना पड़ गया था, उसी से रेता निकलवाया था मैंने और ट्रैक्टर ट्राली से ढुलवाया था। अरे इसका मतलब मोदी जी तुम मुझे पनौती बोल रहे हो? पनौती तो मैंने तुम्हें नहीं बोला, पनौती तो तुम अपने आप को खुद कह रहे हो। अरे मोदी जी बस भी करो, तुम तो बेफालतू में अखिलेश के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, बेफालतू की फेंकते रहते हो। अरे सारे का सारा रेता मेरे बुलडोजर से निकलवा लिया तुमने, अच्छा फायदा हो रहा है। तुमने जितने का ठेका लिया था नदी से रेता निकालने का, उससे डबल रेता बेच चुके तुम और कह रहे हो कि अखिलेश के आते ही रेता खत्म हो गया। अरे जब नदी में से सारा रेता निकाल लिया तो क्या बचेगा उसमें? अरे भाई मोदी जी अब बस भी करो, कब तक रेता निकलवाते रहोगे इस नदी में से? बिल्कुल खुक्कल कर दोगे नदी को। तुमने हाथ ही डुबाओ गड्ढे कर दिए इस नदी के अंदर, कितना रेता निकालोगे? पहले तुमने योगी जी के बुलडोजर से निकलवाया रेता, फिर अब तुम टोकरियों से निकलवा रहे हो, सर पे ढुलवा रहे हो। अब क्या थोड़े दिन बाद हाथों से निकलवाओगे थोड़ा थोड़ा सा? और इल्जाम बेफालतू में अखिलेश के ऊपर लगा रहे हो कि अखिलेश जब से आया है रेता निकलना कम हो गया, ये कोई बात नहीं हुई। तुम सबको तो ऐसे मेरा फायदा दिखता है, ऐसे देखने से कुछ थोड़ी होता है। कागज को देखो, मेरे कागज पे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना घाटा हुआ है। और लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी मूली क्या रेट लगेगी? मूली का रेट बताइए जरा, मूली लेना है 1 किलो। योगी जी तुम्हें मूली 1 रेट ₹50 किलो लगेगी, समझे? नहीं योगी जी, तुम्हें मूली 1 रेट ₹40 किलो लगेगी, ले लो तुम, ले लो, मैं कह रहा हूँ ये। नहीं योगी जी, तुम राहुल और मोदी जी की मन मानो, मूली तुम्हें 1 रेट ₹30 किलो लगेगी, मैं दे रहा हूँ, समझे? अरे मोदी जी, अखिलेश, राहुल, क्या माजरा है? तुम सब अलग अलग रेट बता रहे हो, मूली अलग अलग रेट क्यों बता रहे हो? क्या तीनों लोग साझे में लाए हो, ये पार्टनरशिप में लाए हो मूली? अरे योगी जी मैं क्या बताऊं, राहुल और अखिलेश के साथ पार्टनरशिप करके मैं तो फंस गया। पैसा थोड़ा कम था, मैंने सोचा पार्टनरशिप में मूली खरीद के बेची जाए और थोड़ा फायदा हो जाएगा तो आपस में बांट लेंगे, इसीलिए मैंने इनसे पार्टनरशिप कर ली। अब मैं ये बताऊं, 20 रुपए किलो मूली आई हुई है, जब तक दुगने तिगने में ना बेचो कैसे फायदा हो जाएगा? अरे योगी जी ये बताइए, मूली मंडी से हम 20 रुपए में लाए हैं, अरे 20 रुपए से मैं 40 रुपए बता रहा हूँ, डबल हो तो रहे, इससे ज्यादा और क्या फायदा लोगे किसी से? अरे राहुल 20 के 40 भी रेट ज्यादा है, इसीलिए तो मैं 30 रुपए बता रहा हूँ। 20 रुपए किलो मूली लाए हैं अपना मंडी से, अरे 10 रुपए किलो मूली पे मिल जाएगा, थोड़ा है, इसीलिए मैं 30 रुपए किलो बता रहा हूँ योगी जी को। वो तो मेरे पास पैसे कम थे, समझे? वो बैठे हैं मुलायम सिंह जी, मेरे पापा, उन्होंने पैसे नहीं दिए सब्जी खरीदने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कहाँ करता। अरे मैंने तुम दोनों के साथ अब पार्टनरशिप कर ली मूली में, मैं आगे किसी सब्जी में तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं करूंगा। अरे मोदी जी मेरे हिसाब में अखिलेश सही रेट बता रहा है, समझे? जब 20 रुपए किलो तुम मंडी से मूली लाए हो तो तुम सीधे 50 रुपए किलो बता रहे हो, अरे किसी की जान लोगे क्या करोगे? और राहुल तुम भी ज्यादा बता रहे हो, 40 रुपए किलो मूली के सीधे डबल कर रहे हो, 20 के 40। अरे अखिलेश के रेट बिल्कुल सही है, 20 रुपए किलो लाया है वो मंडी से और 30 रुपए बता रहा है। पांडर सिंह में अगर तुम्हारे सही बनता है कोई तो वो अखिलेश है।